शाहजहांपुर में आचार संहिता हटते ही SPS आनंद ने निगोही थाने के दारोगा, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सहित 25 पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर कर दिया। एक साथ 25 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए तो इसे विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के तिलहर प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा की मदद करने के लगे आरोपों से जोड़कर चर्चाएं शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई तो SP ने इसका खंडन करते हुए इसे रूटीन कार्रवाई बताया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान मतगणना वाले दिन यानी 14 फरवरी को सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा और भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के समर्थकों के बीच फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हो गया था। इस बीच सपा समर्थकों ने गाड़ी से उतारकर भाजपा नेता की पिटाई कर दी थी। इस मामले की शिकायत करने गए भाजपा नेता और उनके समर्थकों को निगोही पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा था, जिसके वीडियो वायरल हुए थे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि निगोही पुलिस सपा प्रत्याशी की मदद कर रही है, साथ ही सपा के पक्ष में फर्जी वोटिंग कराने का भी आरोप लगाया था। बवाल के बाद निगोही के SHO को उसी समय लाइन हाजिर कर दिया गया था। उनके स्थान पर दूसरे प्रभारी निरीक्षक की तैनाती कर दी गई थी। दोनों ओर से FIR दर्ज हुई थी, हालांकि आरोप थाने के सभी पुलिसकर्मियों पर लग रहे थे। इधर भाजपा सरकार फिर बहुमत में आ गई तो नई सरकार के गठन से पहले SP ने उन सभी 25 पुलिसकर्मियों को रविवार को लाइन हाजिर होने का आदेश दे दिया। आदेश में यह लिखा गया कि सभी को पुलिस लाइन में रहकर ट्रेनिंग लेनी है। लाइन में आमद का फरमान पहुंचते ही एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें इसे पिछले मामले से जोड़ा जा रहा है। वहीं SPS आनंद ने स्टाफ हटाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट अफवाह बताया है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे थाना निगोही के 25 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किए जाने, निलंबित किए जाने, इस तरह के संबंध में कुछ भ्रामक समाचार दिए जा रहे हैं, जिसका मैं खंडन करता हूँ। ये कोई लाइन हाजिरी नहीं है, न किसी पनिशमेंट के तौर पे है। बेसिकली कुछ लोगों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता समझी गई। इनको विशेष तौर से पुलिस लाइन में इनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी इनका कराया जाना था, और इस प्रकार इनको वहाँ पुलिस लाइन में जो इनके दायित्व हैं पुलिस लाइन के, उनके संबंध में भी इनको ट्रेनिंग दी जानी थी। इस लिहाज से इनको किया गया है, कोई अलग से थाना पिक एंड चूज नहीं किया गया, और इनके स्थान पर जो पुलिस लाइन में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे उनकी तैनाती थाने पे की गई है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें न किसी पूर्व में घटित घटनाओं से संबंधित ये कोई कार्रवाई है, न कोई इस तरह की बात है। तो इसको ये न समझा जाए कि कोई दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है।